When the chromosome are arranged in group at the opposite poles of a spindle. ठीक है, द न्यूक्लियोलस माइटोसिस में भी यही हुआ था. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर. कि भाई न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाएंगे अब दोबारा से आपके पास, यानी कि या क्या हो जाएंगे, रीअपेयर हो जाएंगे, रीअपेयर हो गए. ठीक है, ठीक. अराउंड किसके अराउंड, अराउंड ईच आपके पास क्या है, ग्रुप. अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के ग्रुप के अराउंड. ठीक है, अच्छा बाय द, अब यहां पे क्या हो गया, इन दिस वे नंबर टू, इन दिस वे, इन दिस वे टू डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. ऐसे में कितने डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, दो डॉटर न्यूक्लियाई की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, अच्छा जी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ मियोसिस इज कंप्लीटेड. ठीक है ना, इन विच वन डेप्लॉइड न्यूक्लियस टू फॉर्म टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. इनके अंदर क्या हो गया, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए. ये सब जर्म सेल्स में हो रहा है, जर्म सेल्स सेक्स सेल के अंदर हो रहा है ये सब. ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, अच्छा चलें एक दो, अच्छा चलें जी, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट. यानी कि चलें एक पॉइंट और लिख लें, तीसरा इसका ना, कि क्या होगा, यानी कि टू आपके पास यूं, हाँ चलें, बाय द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई द फर्स्ट मियोटिक कह दें या मियोसिस वन कह दें, डिवीजन ऑफ मियोसिस इज कंप्लीटेड हो गई, इन विच फ्रॉम वन डेप्लॉइड न्यूक्लियस टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म. इसके अंदर जो है, यानी कि जो आपके पास डेप्लॉइड न्यूक्लियस था उससे दो हैप्लॉइड बन गए. ठीक है, खत्म हो गई है. अच्छा देखिए, एट द